मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत तो छोड़िए, सियासत के ये प्रदूषण ऐसा फैल रहा है जिससे दिल्ली वालों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है, ना तो प्रदूषण से, ना ही प्रदूषण पर होने वाली सियासत से। और बढ़ते प्रदूषण और जहरीली हवाओं की वजह से ज्यादातर लोगों की आंखें, सीने और गले में खराश की समस्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रदूषण पर सरकारों को फटकार लगाता है, लेकिन कुछ नाकाफी समाधान को छोड़कर इस मुश्किल से निपटने के लिए कोई ठोस कदम दिल्ली में नहीं उठाया जा सकता। इस बीच वायु प्रदूषण पर हाल ही में कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है, जो रिपोर्ट बताती है कि जहरीली हवा में सांस लेना दिल्ली वासियों की जान के लिए खतरनाक है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रदूषण से जुड़े कुछ रिसर्च के बारे में आपको दिखाना बताना चाहता हूं, समझिए। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी से जारी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 के मुताबिक दिल्ली उत्तर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मानदंडों के बहुत पीछे है दिल्ली। वायु प्रदूषण से दिल्ली वासियों को जिंदगी 11.9 तक कम कर दी है, यानी लगभग 12 साल के आसपास। और 40% से ज्यादा आबादी इस सीमा से खराब हवा के संपर्क में, जो जानलेवा साबित हो रहा है। और राष्ट्रीय मानक पूरा होने पर 8.5 साल तक बढ़ जाती है जिंदगी। WHO के मानकों को पूरा करता है तो दिल्ली वालों की जिंदगी करीब 12 साल तक बढ़ सकती है।